किसान विधेयक के विरोध में किसान संगठन उतरे सड़कों पर, NH-24 पर लगाया जाम प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा किसान विधेयक लागू करने के विरोध में आज विभिन्न किसान संगठनों ने NH-24 पर जाम लगा दिया, जिससे कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसान संगठन के नेतृत्व में हजारों किसानों ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की एवं किसान विधेयक को वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा किसान विधेयक जारी किए जाने के बाद किसान संगठन उग्र हो गए हैं। आज भारत बंद के आह्वान पर तमाम किसान संगठनों ने आज जमकर प्रदर्शन किया और NH-24 पर स्थित गर्रा पुल के निकट उन्होंने हाईवे जाम कर दिया, जिससे कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि प्रशासन ने प्रदर्शन के मद्देनजर पहले ही रूट डायवर्जन कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद बड़े वाहन इसमें फंसे रहे। फिलहाल अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है और केंद्र सरकार के विरोध जमकर नारेबाजी की जा रही है। तमाम किसान संगठनों द्वारा तैयार किए गए संयुक्त मांग पत्र में राष्ट्रपति महोदय ने किसान विधेयक को वापस लिए जाने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र ही इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो किसान उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। शाहजहांपुर से गोविंद अवस्थी की रिपोर्ट। पूरे देश भर में जाम लगा हुआ है, आज 25 तारीख है और ये जाम 3 घंटे का है और सरकार को बताना चाहते हैं कि जो कानून जो किसानों के कहते हैं हम हक में लाए हैं, लेकिन किसान उसको मानने को तैयार नहीं, तो जैसे कानून क्यों लगे आता है। ये पूरा देश का किसान सड़कों पर है, इनको हम बताना चाहते हैं कि ये जो आपका काला कानून है इसको वापस लाए, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की।